हो या एप्पल हो, दोनों में एक ही टाइप का शुगर है, दैट शुगर इज फ्रुक्टोज, एंड फ्रुक्टोज इज लो ऑन द ग्लाइसेमिक इंडेक्स. तो आप जितना फ्रेश फ्रूट से फ्रुक्टोज खाओगे उतना आपके लिए बेहतर है. दैट्स ऑल दैट देयर इज. अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन भी मैंगो को अप्रूव करता है क्योंकि मैक्सिको में मैंगो ग्रो होता है. तो मतलब बाहर के लोग आर समहाउ एबल टू अप्लाई देयर कॉमन सेंस, वी आर अनएबल टू, सो वी हैव टू स्टार्ट डूइंग दैट. सॉरी. यस. Hi ma'am. Being from this generation, I wanted to know any food that we need to do for good skin and good immune system. Good skin and good immune system, rice, ghee, and you know, chutney or a homemade achar. These are homemade achar. Anything. आपका जो भी local chutney बनता है वो वाला chutney. No, Nagma. No, there to say no, yeah. So any chutney जो आप घर पे बनाएं, any आचार जो आपको दादी नानी ने सिखाया है कैसे बनाने का, वो अगर आप खाओगे तो आपका स्किन, आपका इम्यून सिस्टम, वो सब कुछ अच्छा रहेगा. आचार के लिए पिंपल्स के लिए बोलते हैं. अरे नहीं, आचार कितना खाना चाहिए सबको मालूम है. हमको ये भी मालूम है ना, आचार सब्जी जैसे मत खाओ. ये सुना है आपने? तो बस आपको वही करना है कि सब्जी को सब्जी की तरह, आचार को आचार की तरह, लेकिन आचार खाइए तभी जाएगा आपका पिंपल्स. कैसे जाता है आचार खा के? बिकॉज व्हेन यू ईट आचार, आचार में एक हिडन विटामिन रहता है, विटामिन K2. वो विटामिन डी असिमिलेशन को आसान कर देता है. आचार में हिडन जो रिएक्शन होती है आचार में, हम लोग आम का अचार डालते हैं, आंवले का अचार डालते हैं, लोग अलग अलग चीज़ों का, नींबू का अचार डालते हैं. All these achars go through a process called as lacto-fermentation. ये जब lacto-fermentation होता है और lacto-fermented food जब हम लोग खाते हैं तो हमारा B12 का assimilation better होता है. B12 का assimilation better हो गया तो hemoglobin की मात्रा बढ़ती है. अगर hemoglobin की मात्रा बढ़ गई तो skin, ovaries को oxygenation ज़्यादा अच्छी तरीके से पहुँचता है. लेकिन क्या हो गया है कि हमारे यहाँ पर जो हमारी दादी और नानी थी उसके पास बजट नहीं था आचार को प्रोबायोटिक करके बेचने का. ओके. सो अगर हम प्रोबायोटिक के बारे में सोचते हैं, हम वापस फूड इंडस्ट्री वाला ही कोई खाना सोचते हैं, बट एक्चुअली द रियल प्रोबायोटिक, द रियल प्रीबायोटिक इज द आचार. यस. हाय, माय क्वेश्चन इज ऑन, सीखे नहीं आप, नो प्रॉब्लम, ऑन फूड पैटर्न. लाइक दिस वन स्कूल ऑफ थॉट विच सेज दैट वी शुड ईट एवरी 2 hours बिकॉज ऑफ आवर मेटाबॉलिज्म, व्हाटएवर. इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट विच इज लाइक एज ओल्ड, लाइक जैनिज्म वेरी स्ट्रांगली बिलीव्स इन इट, विच इज इंटरमिटेंट फास्टिंग. लाइक यू हैव एन ईटिंग विंडो एंड अ फास्टिंग विंडो, ईट लाइक 8 to 10 hours a day एंड देन फास्ट फ्रॉम 12 to 16 hours a day. सो विच इज अ राइट कॉन्सेप्ट, बिकॉज अ लॉट ऑफ एनीवन दैट अपील्स टू यू, दैट्स नंबर वन. नंबर टू, व्हाट वी हैव टू डू इज, यू नो, वी हैव टू रियलाइज, आप छोड़ दीजिए नहीं, इज दैट आजकल इवन विथ फास्टिंग एंड स्पिरिचुअलिटी वी हैव बिकम वेरी ग्रीडी. अगर हम लोग फास्टिंग के बारे में भी बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ वेट लॉस के तरफ से उसके बारे में बात करते हैं. जैनिज्म हैड मेनी थिंग्स, यू नो, वेर आर दोज अदर मेनी थिंग्स, वेर इज द अहिंसा, वेर इज द सत्य, यू नो, वी आर नॉट, आर वी ट्रू फॉलोअर्स ऑफ दैट? एंड देन बिकॉज वी आर फॉलोअर्स ऑफ दैट, आर वी ईटिंग लाइक द महाराजास, वेर यू नो वी हैव वन काइंड ऑफ फूड एंड देन वी हैव एन अदर काइंड ऑफ फूड, एंड यू नो आर वी फॉलोइंग द चोमासा एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आर वी डूइंग दैट फॉर अ हायर पर्पज, और आर वी जस्ट डूइंग दैट फॉर वेट लॉस? आई थिंक दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क फॉर, आस्क टू आवर सेल्व्स. एंड द अदर थिंग दैट वी हैव टू नो इज दैट the only diet that works is a diet that allows you to stay more productive through the day, that gives you good sleep, that makes you feel like saying thank you when someone tells you that you're looking good. Okay, when someone tells you you're looking good and you turn around and say are nahi kidhar ye dress ke wajah se tu idhar se dekh mere ko and all of those things, then it's not a good diet. So be on a diet that you think you can follow for the rest of your life. Okay, thank you. अरे एक ही क्वेश्चन, जैनिज्म वन क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन पूछ के. नेक्स्ट पर्सन प्लीज. इफ यू वांट अ डिटेल्ड आंसर ऑन मेटाबॉलिज्म यू कैन रीड माय बुक, डोंट लूज आउट वर्क फॉर फुल डिटेल्स है उसमें. हेलो मैम. यस मैम, मैं पूछना चाहती हूँ कि दिन में कितने बार खाना चाहिए, मतलब हमारा इंटेक दिन में 3 बार 4 बार? ओके, ऑलराइट, आई विल आंसर दिस.
यू नो लॉट ऑफ टाइम्स वी फील कि हमारे पूर्वजों ने सिर्फ दो बार खाया है, करेक्ट? तो दिवाली में आपने देखा होगा या आपने डायबिटिक पेशेंट को भी, या सबके लिए ही मैं बोल रही हूँ. यू नो हम लोग ऑलमोस्ट डायबिटिक्स ऐसे अछूत मान के, यू नो डायबिटिक्स एक मिनट डायबिटिक्स डायबिटिक्स हो या जो भी, हर ह्यूमन बीइंग कैसे खाता था वॉज नंबर वन डिपेंडेंट ऑन देयर प्रोफेशन. बिकॉज वॉट ह्यूमन इंटेलिजेंस हैज ऑलवेज डन इज दैट दे हैव ईटन इन अ वे व्हिच अलाउज देम टू ऑप्टिमाइज देयर प्रोडक्टिविटी. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग. डज इट इम्प्रूव योर मेटाबॉलिक हेल्थ? यू नो दैट्स द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू थिंक अबाउट. थर्ड थिंग इज, हम लोग को बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वज सिर्फ दो ही बार खाते थे. तो ये जो इतनी सारी शरबत बनाने की परंपरा हुई वो किसने बनाई? ऑलराइट, जो चकली शंकरपाड़े मठरी बनाने की जो परंपरा हुई वो किसने बनाई? छाछ वगैरह बनाने की परंपरा किसने बनाई? आपके यहाँ से यू नो देयर आर पीपल हु लाइक ड्रिंक शुगर केन जूस, वो किसने बनाई? बीच में फल खाना वो कहाँ से आया? मुट्ठी भर के सिंगदाना खाना वो कहाँ से आया? सो इफ वी आर थिंकिंग अबाउट ट्रेडिशन देन एटलीस्ट वी नीड टू स्टेप बैक एंड थिंक अबाउट हाउ मेनी थिंग्स एग्जिस्ट इन आवर ट्रेडिशन एंड देन वी शुड थिंक कि अगर मैं डायबिटिक हूँ या मैं नॉर्मल पर्सन. डायबिटिक भी नॉर्मल ही पर्सन होता है और डायबिटीज़ रिवर्स भी होता है और खा पी के रिवर्स होता है या बट यू हैव टू फॉलो ऑल ऑफ द बेसिक्स थिंग. सो फाइनली यू नो लॉट ऑफ टाइम्स यू लाइक अरे किसका डाइट फॉलो करें? तो जो खाने वाला है उसका डाइट फॉलो करो. जो खाता है उसको डिसाइड करना चाहिए. आके थ्योरी मारने में किसका क्या जाता है? यू नो सो एनी वन कैन से एनी थिंग. फाइनली वॉट मैटर्स इज वॉट इज वर्किंग फॉर यू. हम सब ने सुना है कि IIT इंजीनियर के साथ शादी करना चाहिए बट यू नो इज इट एक्चुअली गोइंग टू वर्क? सो फाइनली वॉट वर्क इज आर यू इंटरेस्टेड इन द गाय देन इट्स गोइंग टू वर्क. सो इज द सेम थिंग. आर यू इंटरेस्टेड इन द फूड दैट यू आर ईटिंग देन इट्स गोइंग टू वर्क फॉर यू. थैंक यू. थैंक यू मैम. यस हेलो मैम. हाय. मेरे को ये पूछना है कि जैसे आप बोलते हैं कि टीवी देखते देखते खाना नहीं खाना चाहिए, तो टीवी देखते देखते रूटीन जैसे टॉक करते हैं फैमिली सब बैठ के, तो वो भी सही है क्या? चलेगा अगर टीवी देखते देखते बात करते हैं? नहीं, खाते खाते बात करते. ओके ऑलराइट ठीक है. ओके ओके ओके. अगर बातें करते करते कोई खा रहा है तो दैट इज़ फाइन. झगड़ा नहीं करना चाहिए खाने पे, एक दूसरे को टोकना नहीं चाहिए खाने पे. अरे कितना खा रहा है ऐसे नहीं बोलना चाहिए. सो अगर आप हंसी मजाक में नीचे बैठ के अगर आप खा रहे हो तो दैट इज़ गुड. मेरा क्वेश्चन ये है कि खाते खाते जो अपन खा रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करके दिन भर डिस्कस जो हुआ उसी पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वो सही है या गलत? अगर आपको जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, अगर आपको ऐसे लग रहा है तो आप रुकाओ खाने पे. अदरवाइज बातें तो हो ही सकती है खाने पे. ओके थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट. यस नमस्ते. नमस्कार. यू हेल्प मी बी अ हैप्पी एंड स्ट्रॉन्गर पर्सन. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. एंड माय क्वेश्चन इज दैट आई एम अ पंजाबी मैरिड टू अ हरियाणवी एंड दोनों कल्चर्स में दूध करेक्ट बहुत ज़्यादा. और मेरा बेटा कहता है, 23 साल का मेरा बेटा है, वो आज कहता है कि मेरे को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मिल्क डजंट सूट मी. हाउ इज दैट पॉसिबल? मतलब मेरे को लगता है कि अकॉर्डिंग टू यू कि पूर्वज जो खाते आए हैं दैट शुड सूट यू. एब्सोल्युटली. सो देखिए अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे पंच अमृत जो माना जाता है, पंच अमृत में मैक्सिमम थिंग्स आर दूध एंड दही घी एंड देन शुगर एंड हनी. आज ये चारों पांचों चीज़ें हम लोग के लिए पॉइजन की तरह हो गई. हमने मान भी लिया यू नो. तो क्यों ये पॉइजन की तरह हो गई? बिकॉज वी आर नॉट ईटिंग इट इन द राइट प्रोपोर्शन. नंबर वन, 23 साल का जो बेटा है उसका उम्र ही ऐसा है भटकने का अभी करंटली, यू नो. सो ही विल कम बैक ऑन ट्रैक, नो दैट. एंड द अदर थिंग दैट यू मस्ट नो इज दैट इफ दे ईट गुड फूड then they will be able to overcome all kinds of intolerances and allergies including lactose, including gluten intolerances and allergies. If you want him to have milk, if he doesn't like milk, don't force him because he just loves milk.
ही लव्स मिल्क देन ही कैन हैव मिल्क. तो फिर फ्रेश गाय का दूध या इवन फ्रेश भैंस का दूध इज़ अ गुड आइडिया. एंड इफ ही इज़ रियली वरिड अबाउट कि कितना मेरे को डाइजेस्ट होएगा या नहीं होएगा, देन वन ऑफ द गुड वेज ऑफ इंश्योरिंग दैट द मिल्क दैट यू आर ड्रिंकिंग इज वेल डाइजेस्टेड इज टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ नटमेग और जायफल इन इट एंड देन दैट वर्क्स. ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर बींग सच अ पेशेंट एंड काइंड ऑडियंस एंड हैविंग मी हियर. थैंक यू फॉर अरेंजिंग. थैंक यू सो मच रंजिता. Accordingly, would like to thank Chintavis Center for being a partner for Knowledge Series, Mr. Sunil Rai Soni for providing such an opportunity to arrange such programs which is open for all, and thanks to the team SGR Knowledge Foundation. Our next program of Knowledge Series is on 24th of November, that is at evening 6, and it will be Music Clinic by Dr. Rahul Joshi. And before that, we have one program which is on 16th of November. It is of Prabhu Gaur Gopal Dasji. For that, we'll require your mobile number so that we can send the SMS about the venue and timing for the session. Thank you.